हेलो दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो एक नए लैपटॉप के साथ। आज हम लेके आए हैं एचपी विक्टर्स की एक सीरीज FA0555TX जो i5 12 जनरेशन में है, 16 GB रैम और RTX 3050 के साथ है। एचपी ने इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव कर दिया है। हालांकि मार्केट में बहुत मॉडल आपको देखने मिलेंगे, एचपी ने विक्टर सीरीज लॉन्च कर रखी है जो उसमें बहुत वेराइटी निकाल रखी है, तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं आपके लिए कौन सा मॉडल लेके आए। तो ये मुझे मॉडल स्पेशल लगा क्योंकि 16 GB रैम और 3050 के साथ, और वो भी बड़ी एग्रेसिव प्राइस में। हाँ, प्राइसेस की बात हम बाद में करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं आज हम कौन सा मॉडल आपके लिए लेके आए हैं। ये देखिए, ये है एचपी विक्टस FA0555TX i5 12 जनरेशन है, 16 GB रैम है, RTX 3050। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, लैपटॉप के बैक पैनल भी आपको हम खोल के दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और लैपटॉप की अनबॉक्स करते हैं और उसकी स्पेसिफिकेशन आपको दिखाते हैं और प्राइस भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए, अच्छा हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आगे भी हम नए नए लैपटॉप की ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो चलिए करते हैं लैपटॉप को अनबॉक्स। तो दोस्तों, लैपटॉप हमने अनबॉक्स कर लिया है। जैसा कि हर बॉक्स में जो निकलता है, एक प्रीमियम पावर कोड, एक मैनुअल जो मोस्टली लोग नहीं पढ़ते, और ये है एडेप्टर। देखिए, गेमिंग लैपटॉप है, नॉर्मली 65 वाट का अडेप्टर या 90 वाट का होता है, ये 200 वाट का अडेप्टर है क्योंकि गेमिंग लैपटॉप के अंदर यही आता है। यूएसबी नहीं है, नॉर्मल राउंड पिन है जो आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं लैपटॉप। देखिए, परफॉर्मेंस ब्लू कलर है। मोस्टली विक्टर्स जो एचपी लॉन्च कर रहा है या तो वो ग्रे कलर होता है, माइका सिल्वर, या ब्लू कलर होता है, जिसे हम परफॉर्मेंस ब्लू कलर का नाम देते हैं। देखिए, अगर कहेंगे तो विक्टर्स जितने भी मॉडल्स आ रहे हैं वो सारे के सारे सेम डिजाइन में है, सेम बिल्ड क्वालिटी में है। ऐसा नहीं है कि अगर प्राइसिंग कुछ नीचे आती है तो उसके अंदर बिल्ड क्वालिटी के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज एचपी करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफी हाई डिमांडिंग सीरीज है आज की डेट में, अगर आप गेमिंग के अंदर कहते हैं। देखिए, कई बार हम दिखा चुके हैं, वेंटिलेशन विक्टर्स में काफी बड़ा रखा गया है क्योंकि हीटिंग की वजह से होता है। अगर हम आपकी इसकी स्लीकनेस देखेंगे, देखिए गेमिंग लैपटॉप है, थोड़ा सा उसकी जो थिकनेस है वो ज्यादा रहेगी ही रहेगी। आप बैक साइड देखिए या साइड्स में, बहुत ही बेटर लैपटॉप एचपी लॉन्च कर रहा है विक्टर्स के अंदर। चलिए इसे ओपन करके देखते हैं। एक हाथ से, जैसे कि आपने देखा, एक हाथ से ओपन हो गया है। लैपटॉप को बूटअप करते हैं, इतने आप इसके पोर्ट्स वगैरह देखिए, क्योंकि अगर आप क्वालिटी देखेंगे तो क्वालिटी हम विक्टर्स की कई बार दिखा चुके हैं, सेम क्वालिटी विक्टर्स की बॉडी के शेप में सेम है। लैपटॉप के लेफ्ट साइड में जो आपको सबसे पहला पोर्ट दिखाई देगा वो है HDMI 2.1, आपके प्रोजेक्टर और LED TV कनेक्ट करने के लिए। दूसरा पोर्ट आपको दिखाई देगा सुपर स्पीड USB टाइप ए 5 Gbps सिग्नलिंग रेट के साथ। तीसरा आपको दिखाई देगा, जो आपको फील होता है, मैं आपको दिखा दूं, ये RJ45 कनेक्टर है, जो थोड़ा सा नीचे करेंगे, RJ45 आपका LAN पोर्ट के लिए, गेमिंग लैपटॉप है तो जरूरी है इस पोर्ट का होना। एक पोर्ट जो आपको और दिखाई दे रहा है वो है सुपर स्पीड USB टाइप सी 5 Gbps सिग्नलिंग रेट के साथ। लैपटॉप के राइट साइड में आपको पहला पोर्ट जो दिखाई देगा वो चार्जिंग के लिए है। दूसरा पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है सुपर स्पीड USB टाइप ए 5 Gbps सिग्नलिंग रेट के साथ, और कॉम्बो ऑडियो जैक 3.5 mm का, जिसमें आप स्पीकर और हेडफोन कनेक्ट कर सकते हैं। और एक है SD कार्ड रीडर जो आपको राइट साइड में लैपटॉप के मिलता है। तो चलिए दोस्तों, लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, एचपी ने क्या कॉन्फ़िगरेशन दी है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की। प्रोसेसर की 12 जन प्रोसेसर है इसमें, कोर i5 12450H। जी हाँ, एच प्रोसेसर है, जैसा आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है तो गेमिंग लैपटॉप में एच प्रोसेसर ही आता है। हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर आपको इसमें मिलता है, जिसकी बेस स्पीड आपकी 2 GHz है। अगर आप बात करूं टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी की, तो ये टर्बो बूस्ट होके 4.4 GHz तक जाता है, जिसके कोर्स आपको मिलेंगे, 8 कोर का प्रोसेसर है और लॉजिकल प्रोसेसर है 12। मैं आपको ये बता दूं, 8 कोर का प्रोसेसर है लेकिन इसके अंदर 4 परफॉर्मेंस कोर है, 4 एफिशिएंट कोर है। हम जो टर्बो बूस्ट क्लॉक स्पीड की बात करते हैं वो परफॉर्मेंस कोर की होती है। सो 4 जो परफॉर्मेंस कोर है उनकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 4.4 है, और जो 4 एफिशिएंट कोर है उनकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 3.4 GHz तक ही रहेगी। L3 कैशे की बात करेंगे तो 12 MB की L3 कैशे है। देखिए, मेमोरी बात करते हैं, 16 GB की रैम है, स्पीड 3200 MHz है, 2 स्लॉट्स है, दोनों ही यूज्ड है। लैपटॉप को खोल के दिखाएंगे, 8 8 GB की इसमें 2 रैम लगी हुई होगी।
अपग्रेड हो सकती है या नहीं हो सकती, इनबिल्ट है या नहीं है। वैसे देखने से हमें पता चल गया कि इनबिल्ट नहीं है, रैम इजिली अपग्रेड हो सकती है। वो जब हम लैपटॉप ओपन करेंगे वो जब आपको बताएंगे। वैसे मैं को यही कहना चाहूंगा कि विक्टर्स में एचपी बहुत लैपटॉप लॉन्च कर चुका है, अब जो मेरी राय है DDR5 के अंदर लॉन्च करने चाहिए। अभी भी DDR4 के अंदर ये लैपटॉप आपको मिल रहा है। SSD की बात करेंगे तो सैमसंग की SSD है 512 GB की, जिसकी कैपेसिटी आपको 477 GB की मिलती है। वाईफाई की बात करेंगे, वाईफाई 6 आपको मिलता है, ब्लूटूथ 5.3 है, GPU ये इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, इंटेल USD ग्राफिक्स जो डेडिकेटेड नहीं होता, गेमिंग लैपटॉप में इसका कोई मायने नहीं होता है, लेकिन शेयर्ड GPU है, 7.8 GB इसका शेयर्ड है। जो हमारे पास मेन है इसमें वो बात करेंगे NVIDIA GeForce RTX 3050 की। जी हाँ, डेडिकेटेड GPU मेमोरी है 4 GB का, शेयर्ड आपके साथ 7.8 जो अभी हमने देखा था, USD टोटल 11.8 GB आपको ग्राफिक्स मिलता है। लेकिन जब हम देखते हैं तो डेडिकेटेड ग्राफिक्स ही काउंट होता है जो 4 GB है, और वो भी RTX 3050 के साथ आपको इस लैपटॉप में मिलता है। जो वॉइस कॉन्फ़िगरेशन के टाइम आप सुन रहे थे वो वॉइस हमने इसी लैपटॉप से रिकॉर्ड करी थी, इसी लैपटॉप के माइक से, जिससे आपको माइक की क्वालिटी पता चल सके। दोस्तों गेमिंग लैपटॉप है, काफी व्यूज की डिमांड होती है, आप इसमें एक बार गेम प्ले करके देखें। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप में गेम प्ले करके देखते हैं तो आपको इसी गेम की क्वालिटी भी पता चल जाएगी। में आपको 15.6 इंचेस की फुल HD मिलती है, जिसका स्क्रीन रिजोल्यूशन 1920 बाय 1080 आपको मिलता है। IPS डिस्प्ले है माइक्रो एज और एंटी ग्लेयर के साथ। रिस्पांस टाइम हम देखेंगे तो 9 ms का है, 144 हर्ट्ज की स्क्रीन है, 250 nits और 45% NTSC के साथ। HP वाइड विजन 720p HD कैमरा आपको इसमें मिलता है विद टेंपरल नॉइस रिडक्शन के साथ, और इंटीग्रेटेड डुअल एरे डिजिटल माइक्रोफोन के साथ आपको इसका कैमरा मिलता है। तो चलिए दोस्तों करते हैं लैपटॉप का बैक पैनल को ओपन। तो दोस्तों लैपटॉप हमने ओपन कर लिया है, तो चलिए देखते हैं इसके अंदर के पार्ट्स कहाँ कहाँ क्या क्या लगे हुए हैं। देखिए यहाँ हमारा प्रोसेसर और ग्राफिक्स लगे हुए हैं जो फैन के साथ कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि दोनों को ही कूलिंग की जरूरत होती है, तो ग्राफिक्स को भी और CPU को भी, दोनों ही फैन के साथ, दो अलग अलग फैन हैं वो कनेक्टेड हैं कूलिंग वेंट के थ्रू। देखेंगे इसमें दो रैम लगी हुई है, जैसा हमने कॉन्फ़िगरेशन में देखा था 16 GB की रैम है, 8-8 GB की दो रैम आपको इसमें मिलती है। आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं लेकिन आपको ये दोनों ही रिमूव करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा स्लॉट्स नहीं है, दो से ज्यादा स्लॉट्स आते भी नहीं है लैपटॉप्स के अंदर, तो ये दोनों ही रिमूव करके आप 16 GB की लगा सकते हैं। ये हमारी SSD लगी हुई है 512 GB की जो हमने देखा था सैमसंग की, इसको रिमूव करके ही आप SSD अपग्रेड कर पाएंगे, क्योंकि हमें कोई भी इसके अंदर दूसरा स्लॉट्स दिखाई नहीं दे रहा है। यहां हमारा वाईफाई है, ये आप देखेंगे बैटरी है, 4 सेल की आपको बैटरी मिलती है इसमें, लिथियम पॉलीमर बैटरी है। अगर हम इसके वर्क आवर की बात करेंगे तो 70 वर्क आवर्स आपको मिलता है, अप्रोक्सीमेटली इसमें आपको 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। वेट मैं आपको बता ही चुका हूं, अप्रोक्सीमेटली 2.4 kg का वेट है। यहां आप देखेंगे स्पीकर्स लगे हुए हैं लैपटॉप्स के दोनों तरफ। तो दोस्तों आज हमने अनबॉक्स किया HP विक्टर्स FA0555TX। हमने देखी कॉन्फ़िगरेशन i5 12 जनरेशन में है, 16 GB रैम और 512 GB SSD 3050 RTX के साथ। देखिए HP विक्टर्स बहुत रेंज लॉन्च कर चुका है विक्टर्स के अंदर, लेकिन आज मैं ये मॉडल इसलिए अनबॉक्स कर रहा हूं क्योंकि इसकी प्राइसिंग काफी एग्रेसिव है। देखिए 12 जनरेशन के अंदर वो भी प्राइसिंग मैं आपको बता देता हूं, प्राइसिंग 70,000 के अंडर बहुत बेटर प्राइसिंग है। अभी तक मैं जितने भी अनबॉक्स करे हैं मोस्टली RTX 16 GB के साथ 70 से अबव ही रहे हैं, लेकिन इस लैपटॉप को HP ने अंडर 70,000 लॉन्च किया है जो आपको मार्केट में इजिली मिल जाएगा। मैं आपको एक बात और बता दूं, काफी लोग ये पूछते हैं कि आप अनबॉक्स करते हैं लेकिन आपको मार्केट में नहीं मिलते। देखिए हम दिल्ली में हैं,
यहाँ पे मॉडल्स अवेलेबल हो जाते हैं, हमें कोई भी कंपनी हो चाहे एचपी हो चाहे डेल हो या लेनोवो, हमें वो मॉडल्स प्रोवाइड करा देती है। लेकिन फिर भी मैंने ये देखा है कि करोल बाग के अंदर, दिल्ली के अंदर एक करोल बाग है सेंट्रल दिल्ली के अंदर, वहां पे एचपी का अपना शोरूम है, एक एचपी ओमेन प्ले ग्राउंड के नाम से एचपी वर्ल्ड है, वहां पे हमने ये नोट किया है मोस्टली लैपटॉप आपको अवेलेबल होते हैं। अगर उसका फोन नंबर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए बात करेंगे कि इस पे आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए गेमिंग हो जाएगी आपका, कोरल फोटोशॉप, आपने जो भी चला वर्किंग करनी है वो सारी वर्किंग आप इस लैपटॉप पे कर सकते हैं। लैपटॉप का वेट जरूर आपको 2.4 kg मिलेगा। देखिए गेमिंग लैपटॉप, जैसे कि आपने देखा था जब लैपटॉप खोला था, डबल फैन लगा होता है, उसमें लैपटॉप की थिकनेस बढ़ जाती है क्योंकि ग्राफिक्स भी होता ही है। अदरवाइज अगर मैं हमेशा ये कहूंगा आपने कोडिंग करनी है, आपने प्रोग्रामिंग करनी है, तो गेमिंग लैपटॉप ही हमेशा प्रेफर करिएगा क्योंकि ये फ्यूचर में आपकी सारी वर्किंग करता है। थोड़ा वेट ज्यादा होता है लेकिन लैपटॉप ये परफेक्ट रहता है। मार्केट में आपको 70,000 के अप्रॉक्स में लैपटॉप मिल जाएगा। एचपी इसके साथ 1 ईयर की वारंटी देता है आपको, और अगर आप एक्सटेंड कराना चाहें तो जब भी आप एचपी वर्ल्ड पे लैपटॉप लेने जाएंगे तो जरूर आप उनसे जरूर पूछिएगा, आपको वारंटी एक्सटेंड बहुत ही बेटर प्राइजेस के अंदर मिल जाती है। टाइम टू टाइम एचपी के ऑफर्स चलते रहते हैं। और हाँ, अगर एक्सटेंडेड डैमेज प्रोटेक्शन भी लेना हो तो वो भी आप एचपी वर्ल्ड पे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होगा उससे पूछ लीजिएगा। मैं हमेशा यही कहता हूं, आज भी यही कहूंगा, जब भी आप वारंटी एक्सटेंड कराना चाहें तो एचपी से ही लीजिएगा, कभी भी थर्ड पार्टी वारंटी नहीं लीजिएगा। और हमेशा मैं यही प्रेफर करता हूं, जब भी आप लैपटॉप लें, जो भी लैपटॉप लें, हमेशा उसी के ब्रांड स्टोर से लीजिए, किसी भी मल्टी ब्रांड से नहीं, क्योंकि वहां पे आपको वो वैरायटी नहीं मिल पाती है जो आपको ब्रांड स्टोर पे मिल जाती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। आगे भी हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे, सबका बैक पैनल ओपन करके आपको दिखाते रहेंगे। हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपको वीडियो देखने के बाद कोई कंफ्यूजन ना रहे। इन फ्यूचर भी ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में नए लैपटॉप के साथ। जय हिंद।